हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे जो घर में मालाएं थी ना पहले की रखी हुई, वो मैं धो धो के रख रही हूँ। और मंदिर साफ़ किया है, तो मंदिर के कपड़े थे थोड़े से बच रखे थे, वो धोए हैं, चुनरी वगैरह माता की। और एक दो माला मैं बाज़ार से लाई थी, थोड़े घर के निकल गए। जो दूसरा रूम है ना, छोटा वाला, वो वाला जो है पूरा क्लीन हो गया है और मंदिर भी अच्छा साफ़ हो गया है। और बस पता क्या होता है, क्लीन करते मैंने ज़्यादातर वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि वीडियो बनाते बनाते टाइम बहुत लग जाता है और टाइम इतना मेरे पास था नहीं। और ये जो वीडियो है ये है 23 अक्टूबर का है, और जिस दिन छोटी दिवाली थी और उस दिन का वीडियो है। तो वीडियो बनाते बनाते टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्लिप निकाली नहीं है। बस ये बच्चों से बोल दिया था तो उन्होंने बना ली जितना हो सका। अब ये जो बड़ा वाला रूम है ये साफ़ कर रही हूँ, और इसे साफ़ करना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि सारा सामान ऐसा हो रहा था और सामान बहुत था ऊपर। ये जो देख रहे हैं आप, जिसे मैं सुबह खाली से कर रही लगे हूँ, लगे ये काम हो गया है। यूँ मान लीजिए 1 बजे से 2:30 बज गए हैं, लेकिन अभी ये जो है इधर का हिस्सा 1 घंटा लग गया है, इतना सामान था उसमें। अब वो ज़्यादा सामान फैल जाता है, लेकिन उसे कैसे समेटना है, कैसे समेटना हो जाता। मेरी हालत कैसी हो रही है, मुझे नहाना भी है, फिर पूजा भी करनी है शाम को, क्योंकि धनतेरस हम लोग आज कर रहे हैं संडे को 23 तारीख को। और बच्चे सब लगे हुए हैं यहाँ पे, सब सारे बच्चों का कंट्रीब्यूशन है। गुड्डू अंदर मैगी बना रही है, और मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको, जो है घर की हालत बहुत बुरी है। अनिकेत जा रखा है शॉपिंग करने के लिए, और हम लोग लगे हैं घर में काम करने के लिए। तो यहाँ पे सब हैं, लगे हुए हैं, कपड़े तय कर रहे हैं। कपड़े देखिए कितने सारे हैं ये, इसमें जो वैसे कपड़े हैं ना जो गर्मियों के हैं, वो निकाल के पैक कर दूँगी, ठंड के निकलेंगे। और अभी सामने का हिस्सा साफ़ हुआ है, यो ऊपर का साफ़ हुआ है, यहाँ तक का साफ़ हुआ है, ये यहाँ तक ऊपर साफ़ हो गया है। अभी नीचे नीचे करना है, नीचे देखिए क्या हालत हो रखी है, ठीक है, नीचे की हालत ये हो रखी है। और यहाँ पे किचन भी उस दिन साफ़ करा था मैंने, किचन आज फिर फैल गया है। ये बर्तन है जो दोबारा से साफ़ हो रखे, लगाने अरेंजमेंट करना है। किचन साफ़ कर दिया था, लेकिन जो है किचन अरेंजमेंट करना है। और ये गुड्डू है, और ये बना रही है मैगी, गुड्डू ने बनाई है मैगी। आज पानी कर दिया जाता है गुड्डू ने हमारे लिए, क्योंकि हमने सुबह नाश्ता किया था, लंच में कुछ नहीं बनाया, ठीक है। अभी यहाँ पे भी जो है सारा सामान फैला हुआ है, ये पूजा का सामान ला के रख रखा है सामान, तो सारा ठीक करना है। ये देखिए क्या हालत है, हमारे पैसे जा रहे रेनू पैसे जा रहे हमारे। और यहाँ पे जो है मैं नहा ली हूँ, और काम वैसे सारा हो गया है, और ये कपड़े जो बच्चों ने तय करे थे इसे अरेंजमेंट कर रही हूँ। अनिकेत अपने लिए कपड़े लेकर आया, जैकेट देखिए आपने अभी पहन रखी थी, अच्छी लगी। पहले वो ब्लू कलर की लाया था तो मुझे वो पसंद नहीं आई, क्योंकि उसमें ना जरा सा कुछ होता था, मैल दिखता। फिर मैंने सब कहा चेंज करके आया, तो वो फिर मार्केट गया, दोबारा से चेंज करके ब्लैक जैकेट लेकर आया। और अभी जो है बच्चे गए हैं पटाखे लेने, तो वही हम बात कर रहे थे भाभी और मैं कि हमारे पैसे जा रहे हैं पटाखों के साथ। तो मैंने कहा था थोड़ी ही ले आना, क्योंकि वही होता है ना पटाखे फोड़ देना और इतना फालतू क्या करना खर्चा। और आजकल तो 1000-1500 के भी पटाखे दिखते नहीं हैं। और यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सुबह गए थे ना लड़ियाँ खोल, मतलब लड़ियाँ लगाई थी ना इन्होंने, रात को गए थे। हाँ, तो सेंट जोसेफ स्कूल है, वहाँ के जो मालिक हैं तो उनकी लड़ी एक जल नहीं रही थी, लाइट का तक्का था थोड़ा, तो वहाँ गए थे तो उन्होंने ये गिफ्ट करा था, और मिठाई लेकर आए थे और ये लेकर आए थे। तो मुझे लगा ये कम्बल टाइप का होगा या चादर होगी, लेकिन देखा ना तो ये चादर है बिछाने के लिए ना कुछ, भाई मुझे लग रहा है ये ना ओढ़ने वाला है। कपड़ा तो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन ये सिंगल बेड का ही हो सकता है, डबल बेड में ये नहीं होगा। तो मैंने जो है इसे तय करके रख दिया है, कभी देखेंगे बाद में काम आएगा। और बस अलमारी का जो कपड़े हैं अभी सेट नहीं हुए हैं, बस बेड पे जो रखे हुए हैं ना उन्हीं को सेट करके मैं लगा दूंगी, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना है। और पता है जब पूरे दिन काम में लगे रहो ना, हिम्मत से नहीं होती कि शाम को खाना भी बना लो।
तो शाम को तो फिर मैंने फटाफट दाल चावल चढ़ा दिया था, एक कुकर में दाल और एक कुकर में चावल। मैंने कहा ये बना लेंगे भाई, और ज़्यादा हिम्मत हो नहीं रही है। अभी आ जाएंगे ना तो फिर हमें दिए भी जलाने हैं, क्योंकि छोटी दिवाली का पता नहीं चल रहा कि छोटी दिवाली है, ये धनतेरस है, कोई कह रहा धनतेरस है, छोटी दिवाली इस बार है ही नहीं। तो हमने कहा चलो जो भी है, हमने धनतेरस जिस दिन हम मानते हैं वो दिन भी हमने रात को जो एक दिया जलता है यम का दिया बोलते हैं वो भी जला देता, और आज के दिन भी 5 दिए तो जलते जलते हैं तो वो भी करेंगे। तो ये आ जाएंगे तो उसके बाद वो भी करेंगे, पूजा करेंगे साथ में। और बस गुड्डू जो है चाय बना रही है और मैं कपड़े तय कर लूँगी, और फिर उसके बाद जो है हम लोग चाय पी लेंगे। तो यहाँ पे जो है शाम को पूजा भी कर ली है हमने, और दिए 5 जलाते हैं ना, उसे पूछ के फिर रख भी दिए हमने, कुछ ऊपर कुछ नीचे। और यहाँ पे ये स्टिकर लाई थी तो ये स्टिकर चिपका रही हूँ। रंगोली तो 24 तारीख को ही बनाऊँगी क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं है, और सारे कमरों में स्टिकर वगैरह, माला, पोस्टर, जो भी सारा काम था वो मैंने रात को कर लिया और खाना बना लिया। तो चलिए फिर आपसे लेते हैं विदा। वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपको हैप्पी दिवाली, राधे राधे, बाय बाय।